अंतरिक्ष के बारे में जब भी कोई बात होती है उसमें ज्यादातर सौर मंडल या ब्लैक होल जैसी चीजों का ही जिक्र सुनने को मिलता है। 1916 में ब्लैक होल को खोजे जाने के बाद से इंसानों का इसके प्रति रुझान बढ़ता ही चला गया। आज हर कोई ब्लैक होल के बारे में कुछ न कुछ अवश्य ही जानता है। परंतु दोस्तों, अंतरिक्ष में क्या सिर्फ ब्लैक होल ही होते हैं? क्या आपने कभी व्हाइट होल के बारे में सुना है? हो सकता है हम में से बहुतों को इसके बारे में मालूम भी ना हो। तो चलिए इस वीडियो के जरिए आप लोगों को व्हाइट होल के बारे में हर छोटी से छोटी बात से लेकर ये कैसे बना और ये ब्लैक होल से कैसे अलग है उसके बारे में बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। व्हाइट होल को समझने से पहले हमें ब्लैक होल पर एक नजर डालनी होगी। हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल टूटे हुए तारों से बनता है। जब किसी तारे में गुरुत्वाकर्षण बल उसके कोलैप्स होने के कारण काफी बढ़ जाता है तो वो एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। ये काला होता है क्योंकि ये अपने भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेता है। ब्लैक होल इस प्रकार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं और कुछ भी पास नहीं होने देते। अब जब हमें पता चल गया कि ब्लैक होल क्या है, तो आइए जानते हैं कि व्हाइट होल क्या होता है। व्हाइट होल ब्लैक होल के ठीक विपरीत है। जैसा कि नाम से पता चलता है, व्हाइट होल वो आकाशीय संरचनाएं हैं जो अपने अंदर मौजूद हर चीज को बाहर फेंक देती हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही भारी पिंड से अचानक एक पूरा का पूरा तारा बाहर आ जाएगा और उसमें से प्रकाश के साथ कई सारी चीजें निकलती दिखेंगी। ऐसे ही पिंड की अवधारणा व्हाइट होल की अवधारणा होती है। जहां ब्लैक होल के अस्तित्व के प्रमाण मिलने लगे हैं, व्हाइट होल जैसे पिंड अभी तक नहीं देखे जा सके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर व्हाइट होल के बारे में सोचा ही क्यों जाता है? इसकी वजह है महान भौतिकविद और गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्हीं के सिद्धांतों ने ब्लैक होल की अवधारणा दी थी। उन्हीं के विचारों के अनुसार व्हाइट होल भी संभव है। ऐसे में सवाल काफी जायज है, क्या हमारे ब्रह्मांड में व्हाइट होल बन सकते हैं या ब्लैक होल व्हाइट होल में बदल सकते हैं? अभी ऐसी संभावनाएं नहीं लगती, लेकिन अभी इस धारणा को खारिज भी नहीं किया जा सकता। अगर हम व्हाइट होल के इवेंट होरिजोन को ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन के साथ जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि जो चीज व्हाइट होल के इवेंट होरिजोन को लांघ कर चली जाती है वो स्वतः ही अपने आप ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन को भी कर लेती है। हालांकि इस क्षेत्र में स्पेस टाइम का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी कोई चीज व्हाइट होल के इवेंट होरिजोन को लांघती है, तब ये भविष्य काल में ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन को भी उसी समय लांग रही होती है। एक शोध में कहा गया है कि बहुत संभव है कि बिग बैंग के पहले से ही एक और ब्रह्मांड का अस्तित्व रहा हो जिसमें समय पीछे की ओर जा रहा है। अगर ऐसा वाकई है और ये सिद्ध हो सका तो फिर व्हाइट होल की अवधारणा कल्पना नहीं रह पाएगी। फिलहाल व्हाइट होल का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड में संभव नहीं दिख रहा और ना ही वो ब्लैक होल का भविष्य हो सकते हैं। वहीं कई वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि व्हाइट होल और ब्लैक होल एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं।